हाय नमस्ते। ओके, तो ये वाला वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे जो बहुत सारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे रिक्वेस्ट किया है। आज हम करेंगे एक गुण, दो गुण, तीन गुण और चौगुण तीन ताल में। अच्छा, अब ये रिक्वेस्टेड वीडियो क्यों है? क्योंकि तिगुण जो है अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है और काफ़ी बार पढ़न करते वक्त हमें खुद पता नहीं चलता है कि हमारी लय कब ऊपर हो गई है, कब हमने अपनी लय को डिप कर दिया है। एक जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो लेट्स सी, मैं आपके साथ करती हूँ इस चीज़ को। आप भी वीडियो लगा के मेरे साथ करिए। थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ेगा आपको। जब कॉन्फिडेंट लगे कि नहीं अभी मुझे आता है, आई हैव अंडरस्टूड कि इसे कैसे करना है, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। अब लय को मेंटेन रखने के लिए मैंने क्या किया है? वेल, मेरे पास ये तबला मशीन है जो मैंने बहुत पहले खरीदी हुई थी। तो मैं इस तबला मशीन का यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा कि मुझे भी पता है कि मेरी बेस लय भी मेंटेन रहेगी। मैं भी ऊपर नीचे नहीं ले जाऊँगी लय को, क्योंकि लय को ऊपर नीचे काफ़ी बार अननोइंगली हो जाता है हम लोगों से। अब आपके पास अगर ताल मशीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं है, आजकल हमारे फ़ोन्स पर, आईफोन्स पे और नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स पर भी प्ले स्टोर पर आपको तबला ऐप मिल जाएंगे। काफ़ी सारे हैं, जो भी आपको ऐप लगे कि इसकी रेटिंग अच्छी है और ये फ्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, आप उसे लगा लीजिए, एक बेस बराबर की लय अपनी सेट कर लीजिए और फिर उसके साथ आप पढ़न करिए। तो आपको पता रहेगा कि आप अपनी लय को वेरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो वी स्टार्ट। नौ, दस। मैं फिर से बराबर की लय में आपके लिए पढ़न करूंगी। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। ठीक है, तो अब आप इसे ट्राई करिए। तिगुन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, मेरी जो बेस लय है वो बहुत चढ़ी हुई थी, स्पेशली इसलिए क्योंकि मेरी ताल मशीन पे यही बेस लय है, इसलिए वो कम पे नहीं रन करती है। बट आई एम श्योर जो भी एप्स अवेलेबल हैं उसमें आप लय को थोड़ा सा और गिराकर, थोड़ा सा और कम करके कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। थोड़ी कम लय में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मैं 2-3 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ पर ये नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, कीप इट वेरी सिंपल। आप इसको तालीपी में लिख लीजिए। जब आप तिगुन को तालीपी में लिखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए भी आसान हो जाएगी। ये जो टिप है वो मैंने मेरे गुरु से ली थी, मेरे गुरु ने मुझे बताया था। तो आई ट्राइड राइटिंग इट डाउन। जब मैंने उसे लिखना चालू किया तो ऑटोमेटिकली आई अंडरस्टूड कि इसका कैलकुलेशन क्या है। अदरवाइज आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, यू नो, इन सम वे और दी अदर। सो द गोल्डन वर्ड फॉर यू टुडे इज जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। मिस्टेक्स हो रही हैं या हमें नहीं आ रहा है, इस चीज़ से प्लीज बिल्कुल मत घबराइए। हम सब भी मिस्टेक्स करते करते ही सीखे हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, एंड लेट्स जस्ट मेक इट हैपन। बाय, नमस्ते।